सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो में। अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अच्छी सी धूप लगी हुई है, अच्छा सा मौसम हो रखा है। तो अभी हम लोग आ रखे हैं अपने खेत में और माँ जा रखी है खड़ी के पेड़ पर और खड़ी भी काट लिया है माँ ने लगभग। तो बाकी मैं ना खड़ी को इकट्ठा करती हूँ और आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज की सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत दिनों से ना बारिश नहीं आई ना, जिसके कारण ना खेत बिल्कुल रुखे सूखे हो गए हैं। घास मैंने इकट्ठा कर दिया है और माँ ना घास की भारी लगा रही है। बाकी अब मैं चलती हूँ घास की भारी लेके गौशाला और माँ यहाँ पर ना गुड़ाई करेगी। आजकल हमारे पहाड़ों में ना खेतों के काम काज हो रहे हैं और बिना बारिश के ना चारों तरफ सूखा ही सूखा हो गया है आजकल। और बड़ी माँ भी अपने खेत में ना लगी हुई है मंडुए की निराई गुड़ाई करने पे। बाकी गौशाला आके ना मैंने घास यहाँ पर रख दिया है और थोड़ा सा घास भैंस को भी दे दिया है और अब चलती हूँ मैं घर की ओर। और अभी ना थोड़ा मैंने ये घास संभालना है, इसको भी यहाँ पर अच्छे ढंग से रख लेती हूँ और तब चलती हूँ घर की ओर। हम लोग अभी घर आ गए हैं और काना पर ना गुस्सा आ रखा है और माना बाहर आंगन की लिपाई कर रही थी तो शायद कर ली है आंगन की लिपाई। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और अभी हम लोगों ने यहाँ पर ना पेड़ की सूखी टहनियाँ लगानी है राजमा की बिलों को सहारा देने के लिए। बाकी माँ सगड़े में जा रखी है और इन बीन्स के पौधों को उखाड़ रही है क्योंकि बीन्स उन पर ना पक चुकी हैं तो उनको भी निकाल देते हैं। और इन पौधों पे अब तो नहीं लग रही हैं ना ही फूल आ रहे हैं इसलिए इनको भी उखाड़ देते हैं। गुजरी ते बच्चा चिंते भरी लगनी ते भाभी। बहुत सारी बीन्स ना ख़राब भी हो रखी है और ये सब्जी के लायक अब नहीं है। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय देव भूमि उत्तराखंड।